बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 13 है, 13/11/2020 की, क्लास है 7, सब्जेक्ट है साइंस और हम दोनों मीडियम लेते हुए चलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर वापस कैसे जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग राधिका ने ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ द फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। शी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर द गार्डनर वॉज यूजिंग द मेन्योर इन द लॉन्स और इन द पॉट्स। शी वॉन्डर्ड वाई दे आर डूइंग सो। राधिका ने एक विजिट करी एक क्रॉप फील्ड में, खेतों में, तो उन्होंने देखा कि जो किसान हैं वहाँ खेतों में क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ठीक है। सेम उससे देखा कि गार्डनर जो है एक वो जो अपने गार्डन में खाद डाल रहा है, राइट। तो उसको ये हैरानी हुई कि ये सब क्यों हो रहा है। अब हम पहली चीज़ ये समझेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसको, प्लांट्स को, और वो बेसिकली तीन होते हैं जिनको कि इंग्लिश में NPK कहा जाता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के ये वो होते हैं कॉम्पोनेंट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और मैन्योर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं एंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। अब जैसे कि गाय का गोबर है तो वो एक खाद के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे चाय की पत्ती है वो एक खाद की तरह यूज़ होती है। अच्छा, कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी एक खाद की तरह यूज़ होती है। तो ये जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या तो जैसे डिकेइंग मैटर, जैसे प्लांट्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर खाद ही तो बनाते हैं, तो उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद है प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड द गुड हेल्थ। प्लांट क्यों एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो। सो द अमाउंट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। लेकिन अगर आप कोई चीज़ खाते रहेंगे, लेते रहेंगे मिट्टी से, तो मिट्टी भी तो बेचारी वो हो जाएगी ना बिना न्यूट्रिएंट्स के। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज द नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या होता है, ज़रूरी पदार्थ होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फॉस्फोरस हो गया, जो कि मिट्टी को ज़रूरी चाहिए होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारे उसके काम आते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करने के काम आते हैं, एनरिच करने के काम आते हैं, ठीक है। अमंग दी ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट। अगर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होता है। दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर बट द प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। हवा में तो 78% है नाइट्रोजन, लेकिन इसको प्लांट कैसे लेगा, उसके लिए आप यूजेबल फॉर्म में ही उसको लेगा ना। अगर आपके पास पालक उगी पड़ी है आपके खेत में और आप पालक तोड़ के ऐसे तो ना खा लोगे, आप उसको यूजेबल फॉर्म में खाओगे ना, उसकी सब्जी बना के खाओगे ना। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं तो दे ऑल्सो टेक अप द नाइट्रोजन इन दी सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, उसको वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि जितने भी पल्सेस होते हैं, पल्सेस फैमिली होती है ना, जिसमें पी भी आ जाता है, दालें भी आ जाती हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म में बदल देता है। आप अगर इजी भाषा में समझो तो इसका मतलब वो कच्ची सब्जी को पक्की सब्जी में पका कर उसको प्लांट को दे देता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉल्युबल फॉर्म, जो कि प्लांट आराम से खा सके, ले सके, ठीक है। अच्छा, फिर जहाँ तक है बात, मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितने भी दालें हैं वो ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। लेग्यूमिनस मतलब जिनके लेग्यूम्स होते हैं, जो जितने में सारी ये फैमिली आ जाती है दालों की, उनकी फैमिली को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड, राइजोबियम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसके लिए दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये जो प्लांट है, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए घर देता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देता है। मतलब दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। कैसे काम आ रहे हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को खाद दे रहा है नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है बैक्टीरिया को।
एज द बोथ ऑफ देम आर इन यू दे बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे वाले रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट नेचुरल बेनिफिट्स, यहाँ पे दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, तो ऐसे वाले बेनिफिट को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. मेन तो यही है कि मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो डिकेइंग और डेड मैटर से मिलते हैं, ठीक है ना, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक, तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू है, द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर एन, याद रखना ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं एन पी और के हैं. ठीक है, फिर है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आंसर ये है आपका, ये वाला आंसर नंबर थ्री, कि एनी रिलेशनशिप वेयर दी बोथ दी ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. फिर है व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, भाई प्लांट को क्यों चाहिए फर्टिलाइजर और मैन्योर, सो दैट फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. ठीक है, और मिट्टी जो है एनरिच टू एनरिच द सॉयल, तो दो चीज़ें आ जाएंगी, फॉर द ग्रोथ एंड द गुड हेल्थ ऑफ सॉयल, सेकेंड टू एनरिच द सॉयल. ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर हो गया फोर. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है. ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन है, कुछ कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज देयर. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और सेफ दिवाली मनाइएगा. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.